मुंबई से सट्टे भायंदर पूर्व के द्वारकाधाम देना बैंक के पास एक सामाजिक संस्था मानवता ईश्वर के लिए कल्याण संस्था परिषद की ओर से कई जरूरतमंद लोगों को मिनी लॉकडाउन के दौरान अनाज वितरण किया गया, जिसमें संस्था के महाराष्ट्र अध्यक्ष नूर खान और मुंबई अध्यक्ष सुमित सिंह के साथ साथ भायंदर पूर्व अध्यक्ष निकिता जी और भायंदर पश्चिम अध्यक्ष विनय मिश्रा और दहिसर अध्यक्ष मुकेश जी के साथ साथ कई महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और करीब करीब 40 परिवारों को राशन किट भेंट की। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहले जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाई और बाद में उनके यहाँ राशन किट वितरण की, जिसको पाकर सभी लोगों ने संस्था का धन्यवाद दिया। पेश है हमारे मीरा भायंदर के संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नूर खान हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। मानवता ईश्वर के लिए कल्याण संस्था परिषद की यहाँ पे पूरी टीम आज यहाँ पर जो राशन वितरण किया गया है, मुंबई अध्यक्ष सुमित सिंह जी भाई की तरफ से यहाँ पे पूरी तैयारी किया गया है। और मैं सुमित सिंह भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन तक ये मैसेज पहुँचा कि काफ़ी यहाँ लोग परेशानी हालात में हैं, राशन काफ़ी तकलीफ़ में है, किसी के पास राशन नहीं है, खाने के ऐसे तकलीफ़ है। तो उन्होंने ये कॉन्टे के इनके पास जाते ही इन्होंने ये कदम उठाया और लोगों को यहाँ राशन यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है। और यहाँ पर पूरी टीम है, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक साथ सब लोग मिलकर जो आज ये वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं सुमित सिंह भाई से गुजारिश करूँगा, आप जरा 2 मिनट जरा कुछ कहिए। नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं कि उनके जो तकलीफ़ है उनको उन्होंने हमको बताया, तो हम जितना हो सका उतना हमने उनके लिए किया। ऐसे ही आगे जो भी तकलीफ़ रहेगी, ग्रुप बना है उसमें आप अपना तकलीफ पर्सनल भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो जितना हमारे से होगा उतना हम सहयोग करेंगे। देखिए, संस्था के माध्यम से जहाँ तक कोशिश जारी रहेगी, जहाँ जितना भी तक हो सकेगा हम लोग मदद करने के लिए हमेशा इंशाल्लाह आगे आते रहेंगे और हमारी पूरी टीम भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।